अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। क्लास नंबर 3 में हमने कोरलड्रा के जो बेसिक कमांड्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, उनके बारे में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके लाजमी देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कोरलड्रा में काम करने की स्पीड है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कम अज़ कम। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रॉप टूल, नाइफ टूल, सेगमेंट ली टूल और कुछ इधर उधर की बातें भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, मतलब जो और कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हैं उसको भी देखेंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आज का हमारा टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल हर एक सॉफ्टवेयर में तकरीबन सेम ही तरह वर्क करता है। फोटोशॉप, कोरलड्रा, इलस्ट्रेटर, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर को ले लें या किसी और भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, तो क्रॉप टूल का मतलब ही क्रॉप करना है, ठीक है। उसका में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई इमेज है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास कोई इमेज है। अब आप इसका कुछ पार्ट को क्रॉप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इतने पार्ट को क्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। यहाँ से एडजस्टमेंट हम वगैरह हम कर सकते हैं। उतने एरिया को मैं ड्रैग करके क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उतना एरिया इसने मुझे क्रॉप करके दे दिया है। जस्ट ये काम है क्रॉप टूल का, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हम नेक्स्ट टूल के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर है जी नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या काम करता है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नाइफ टूल को एज के ऊपर, यहाँ पे आपको एज का ऑप्शन आ रहा होगा, एज के ऊपर क्लिक करके प्रेस करके रखना है बटन को और दूसरे एज पे ले जाकर इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पिक टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे जी, टंटन है, आपका जो वैक्टर था वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। मतलब किसी भी एरिया को आप दरमियान में चाकू से काटना चाहें तो ये नाइफ टूल के जरिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो उससे अगला ऑप्शन है वो है सेगमेंट लीड। ये बिल्कुल नाम से ही वाजह है कि जिस एरिया को आप इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे उस एरिया को ये डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है इरेज टूल। इरेज टूल भी नाम से ही वाजह है, किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए इस तरह से आप चीज़ों को इरेज कर सकते हैं। और उससे जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है, ये बहुत छोटे छोटे से टूल है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता जा रहा हूँ। कोई बड़ा टूल होगा तो उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊँगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है जी, फॉर एग्जांपल ये दो करेक्टर हैं, ये मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। आपने इसको पकड़ के ड्रैग करना है और राइट बटन प्रेस करके छोड़ देना है तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके ये पहला ऑप्शन जो है वेल्ड, वेल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों एक शक्ल में चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और वेल्ड नहीं करता बल्कि कम्बाइन कर देता हूँ, कम्बाइन करने से ये जुड़ तो जाएंगे आपस में लेकिन ये शेप एक नहीं बनेगी। आप यहाँ से इसको तोड़ भी सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी वो है नेक्स्ट टूल हमारे पास है ट्रिम टूल। ट्रिम टूल क्या काम करता है कि नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको माइनस कर देता है ऊपर वाला जितना एरिया इसके ऊपर आ रहा होता है। यानी कि अब ये मैंने दोनों, ये वाला जो नीचे, अगर मैं उसके अंदर कलर फिल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये ग्रे हो गया और नीचे वाला हो गया जी येलो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रिम टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो जो ऊपर वाला एरिया है उसको उसने माइनस कर दिया नीचे वाले एरिया में से, ठीक है। यानी कि नीचे वाला जितना एरिया ऊपर वाला, नीचे वाले के ऊपर पड़ा हुआ था उतना नीचे वाला एरिया डिलीट हो चुका है, ये इसका काम। मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पर इंटरसेक्ट, अभी उसमें क्या उसी तरह से जमा कर दिया, इतना वाला जो यहाँ पर जितने एरिया पर ये पड़ा हुआ था उतने एरिया में उसने इसको जमा कर दिया। तो ये थे कुछ इसके बेसिक टूल्स और क्रॉप टूल और पैन टूल। पैन टूल के बारे में मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं बताया। पैन टूल की तरफ जाएं तो ये जूम टूल, पहले जूम टूल को देख लें। जूम टूल को आपको पता ही है कि जितने एरिया को ड्रैग करना हो जूम टूल के जरिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो कमांड यूज़ करता हूँ वो है F2। F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जितने एरिया को ड्रैग करना चाहें कर सकते हैं। स्क्रोल बार जो होता है आपके माउस का, उसके ज़रिए जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं आप। F3 प्रेस करेंगे जूम आउट हो जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, लिंक पूरा आई बटन में मौजूद है सीरीज़ का, जाकर लाजमी देखें। ये पैन टूल है, ये भी आप माउस का सेंटर बटन को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से ये पैन टूल के ज़रिए इसको प्रेस करके घुमा सकते हैं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं इसका जो व्यू है इसको। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी और काफ़ी बेसिक थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।